दूसरे चरण में लगातार जो कह सकते हैं कि संगठन और सरकार के लोग पूरी ताकत झोंके हुए हैं। संगठन और सरकार दूसरे चरण के निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ? नहीं, तो संगठन तो पूरी ताकत से लगता ही है और सरकार में भी जो लोग होते हैं वो संगठन के कारण होते हैं। इसलिए जब चुनाव होता है, सरकार में काम करने वाले हों चाहे संगठन में काम करने वाले हों, सभी लोग मिलकर के कमल खिलाने के लिए लगते हैं। और निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डबल इंजन सरकार की जगह ट्रिपल इंजन सरकार की जरूरत है, जिससे विकास का कार्य रुकने ना पावे और गतिमान रहे। माना जा रहा है कि ये सेमी फाइनल का मैच है, 2024 में फाइनल चुनाव से पहले एक सारे सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट है। ये हर चुनाव में ऐसा ही लोग कहते हैं, लेकिन हमारे लिए हर चुनाव फाइनल ही होता है, क्योंकि जो चुनाव हम लड़ते हैं उसको सेमी फाइनल और फाइनल मान करके नहीं, हर चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, पूरी जिम्मेदारी से लड़ते हैं, पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है। अखिलेश यादव भी आज मैदान में होंगे रोड शो करके, तो ना उनके रहने कोई, हम कह रहे हैं क्या मैदान छोड़कर, तो कर्नाटक स्वयं चले गए थे, हमें जितने मैदान में आना चाहे, जनता जिसको चुनती है वो प्रदेश के सामने है, देश के सामने, कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ भूल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या जी थे, उन्होंने कहा कि संगठन सरकार पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव में लगा है। उन्होंने अखिलेश यादव पे सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उनको रोका कौन है, लेकिन कमल का फूल ही भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है निकाय चुनाव में विजय फतह करेगी। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।